निदेशालय की टीम ने आज जयपुर डूंगरपुर में कई जगहों पर छापेमारी की। सागवान अभी दिनेश खोटानिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के निवास पर यह कार्रवाई चल रही है। घरों के बाहर हथियार बंद सीआरपीएफ के जवान जो है तैनात है। पुनर्वास कॉलोनी के ए ब्लॉक में अशोक जैन के घर सर्च किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक में शामिल आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को ईडी ने पिछले दिनों पर रिमांड में लिया था। बाबूलाल ने पूछताछ में कुछ अन्य लोगों की जानकारी ईडी को दी थी। बाबूलाल कटारा से हुई पूछताछ के बाद ईडी ने भूपेंद्र सारण को 3 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। भूपेंद्र सारण से भी क्रॉस पूछताछ की गई। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमौली सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमौली, क्या बताएंगे, आज डूंगरपुर में छापेमारी की गई है दिनेश खोटानिया के निवास पर, उनके रिश्तेदार के निवास पर, तो क्या कुछ ईडी की कार्रवाई चल रही है और अभी तक क्या कुछ सामने आया है? आपको बता दें कि सागवाड़ा में ईडी ने आज छापेमारी की है। पेपर लीक मामले को लेकर ये छापेमारी की गई है। दिनेश खोटानिया और उनके रिश्तेदार के ठिकाने पर ईडी जो है सर्च कर रही है, छापेमारी जो है की जा रही है। बता दें पुनर्वास कॉलोनी में ए ब्लॉक में अशोक जैन के घर भी सर्च जो है ईडी की टीम कर रही है। वहीं घरों के बाहर हथियारबंद सीआरपीएफ के जवान जो है तैनात है। दिनेश खोटानिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के निवास पर कार्रवाई चल रही है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमौली चौबीसा सीधा डूंगरपुर से फोन लाइन पर बने हुए हैं। चंद्रमौली, क्या बताएंगे, सागवाड़ा में दिनेश खोटानिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी की गई है। लगातार कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। अभी तक कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया है और क्या कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जो ये सुबह से ही ईडी की दो जो टीमें हैं वो 4 अलग अलग गाड़ियों में डूंगरपुर के सागवाड़ा में पहुंची थी। और कल जो है वो एक भ्रष्टाचार का यहाँ खुलासा हुआ था, जो पंचायती नरेगा में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेके एक्शन को जो है ट्रैप किया गया था। इसके बाद आज फिर जो डूंगरपुर जिले से 45 किलोमीटर जो सागवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पे सुबह से ही दो टीम ईडी की पहुंच गई थी, जिसमें से एक टीम ने जो दिनेश खोटानिया है उनके घर पे पहुंची थी वो। और फिलहाल ये सूचना सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो डूंगरपुर से बाहर है। उनका जो अभी लोकेशन आ रही है वो जयपुर बताया जा रहा है, ऐसी सूचना सामने आ रही है। फिलहाल दोनों ही निवास पर जो ईडी की कार्रवाई है वो सुबह से ही चालू है और हथियारबंद सीआरपीएफ भी घरों के बाहर तैनात है। जो एक दूसरे हैं जो खोटानिया के खास हैं, रिश्तेदार हैं उनके, तो अशोक जैन, उनके घर पे भी सर्च ऑपरेशन ईडी ने चलाया। फिलहाल जो है ईडी की ओर से रेड की जो कोई बड़ा खुलासा और जो मीडिया है वो उससे अभी अनभिज्ञ है, मीडिया के पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि ये रेड का मुख्य उद्देश्य क्या था। फिलहाल प्रयास है वो ये लगाए जा रहे हैं। जी चंद्रमौली, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें डूंगरपुर के सागवाड़ा में दिनेश खोटानिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के घर पर लगातार ईडी की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। घरों के बाहर जो है हथियारबंद सीआरपीएफ जवान जो है लगातार निगरानी रख रहे हैं और कार्रवाई जो है पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है और लगातार कार्रवाई में सर्च जो है किया जा रहा है।